तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कहाँ पे हूँ, बाइक वहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार चढ़ा के देखते हैं। लोग ऑफ रोडिंग करते हैं यार, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अकेले कोई जाकर ऐसे ऑफ रोडिंग कोई करता होगा। देखिए बाइक कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, देख सकते हैं यार बाइक का लुक यहाँ से आप देख सकते हैं क्या। भाई मतलब पीछे का ना ब्रेक, अगर पीछे के ब्रेक के भरोसे आप रहे ना, मैं ये वाला पैर दिखाई दे रहा है ना वहाँ से मैं ब्रेक ले लिया हूँ, वो टायर तो स्किड करता ही नहीं यार इस रोड में। हेलो व्हाट्सएप वाले, वेलकम बैक वन सेकंड। तो आज बाइक के पीछे से ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, तो थोड़ा कभी कभी पूरे बाइक को कवर करते हुए ब्लॉग शुरू करना चाहिए ताकि आप लोग को बाइक देख सके कैसी लग रही है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, मैं अभी गाँव आ रखा हूँ, तो गाँव से बाहर आ रखा हूँ, गाँव में अभी नहीं हूँ, तो अभी जंगल साइड आया हुआ है। तो सोच रहा हूँ ना कि कहीं चलते ऑफ रोडिंग करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ऑफ रोडिंग मैंने नहीं किया है और अभी का एकदम पूरी रोड खाली है, तो अभी ड्रैग रेस के लिए सही था यार। लेकिन यहाँ पे ना आगे ड्रैग रेस यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम स्ट्रेट है, लेकिन उसके बाद फिर आगे फिर घुमावदार इतना डेंजरस वाला है ना, लेकिन मज़ा आता है लीन करने में, उसमें आपको मज़ा आगे चल जाए, सब बारे में बाद में करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं ना, चलते हैं कहीं ऑफ रोडिंग सा पैच में, और इधर तो जंगल में नहीं डालेंगे, लेकिन आगे है एक नदी नाला जैसा है, तो उसमें हम चलते हैं, देखते हैं अगर ऑफ रोडिंग कर पाए तो सही है, नहीं तो फिर अकेले है तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ओ बुलेट नाइस, मैं उन नाइस इसलिए बोला क्योंकि वो दोनों जो भी राइडर और पिलियन दोनों ने हेलमेट लगा रखा था, तो न्यूट्रल हो गई, एक गियरिंग है, फर्स्ट गियरिंग है, जेंट राइड, वाइजर डाउन नहीं करूँगा मैं बिकॉज ऑफ वॉइस, मैं जब बोलता हूँ ना तो फिर आपके तक तो समझिए थोड़ा सा तबाही वाली राइड करते हैं। ब्यूटीफुल नज़ारे हैं यार, इतने मतलब एक्सट्रीम टाइप का यहाँ जंगल है ना, फॉरेस्ट है क्या भाई बताया, ये रोड एकदम मस्त है। यहाँ पे लीनिंग अगर स्पीड में आता है ना 90 95 वाली स्पीड में तो क्या यहाँ लीन होता, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अगर मन किया तो उधर से आते टाइम कर लेंगे, लेकिन अभी देखते हैं पहले ऑफ रोडिंग का मैं कहीं जगह खोजता हूँ कुछ। ओ बहुत हवा चल रही है यार, मतलब अभी से ना जैसे कि एकदम फील, अभी वाला जो मौसम है ना, मौसम बहुत ही क्या बोले, बहुत ही ख़राब सा लगता है, लेकिन अच्छी है अभी के दिनों में शादी करने वालों के लिए बहुत मस्त है, ना गर्मी ना बरसात ना ठंडी, इसे बोलते हैं बसंत ऋतु। राम राम से, ओ हो 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 भाई साहब, तो दिल से बोले ना तो आज ऑफ रोडिंग करने का मन ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, मैं बता नहीं सकता, शायद अकेले में आया हूँ ना इसलिए कि देखिए यहाँ पे मैं जस्ट रोड के सामने हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत दूर हूँ, वहाँ से देख सकते हैं मोटरसाइकिलें और जो भी गाड़ी सब गुजर रही है। तो ये बाइक आपको कैसी लग रही है, बाइक ना सच में मैं दिल से बोलूँ ना तो इस लुक का मेरे को कोई बाइक नहीं लगता अभी इस कैटेगरी में। इस कैटेगरी में क्या, मैं यहाँ तक 200 cc में नेकेड लुक में जाता हूँ ना, नेकेड की बात कर रहा हूँ मैं, ड्यू की सबका MT 15 सबका, MT 15 तो 150 cc का है, तो मेरे को नहीं लगता कि इसके मुकाबला के उन लोग बाइक है, बाइक अच्छे है, अच्छे बाइक है, मेरे को पसंद है, MT 15 अच्छा है, लेकिन बस थोड़ी मेरे पास है बाइक। ओ बुलेट क्या यार, इसका ढूंढूक जो साउंड आती है ना, तो बाइक की बात कर रहे हैं तो ये सच में मतलब इसका लुक चलिए हम बराबरी में रखते हैं, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस बाइक का लुक ख़राब है या ये है वो है, किसी भी एंगल से आप नहीं बोल सकते कि यहाँ से ख़राब लगता है, कि कंपनी को यहाँ से इस चीज़ को ऐसे नहीं बनाना चाहिए था, ऐसे बनाना चाहिए था, आप इधर से भी देख सकते हैं, चाहे मैं उस साइड से चाहे आगे से देख, आगे से तो इसका लुक में यार कोई मतलब टक्कर ही नहीं है, कोई भी बाइक आप उठा के देख लो आगे से कोई टक्कर नहीं है, जब जैसे ही रैप करवा लूँगा ना फिर तो क्या लुक आएगी यार, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, जल्दी से 2K सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग बहुत देर कर रहे हैं। तो चलते हैं जंगल से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा राइड करते हैं, फिर मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं इधर से अब चलने के लिए यहाँ पे चढ़ा दो, बोलो चढ़ा दो यार, बहुत चढ़ाई है यहाँ पे, चक्का ना बहुत राउंड करेगी, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में लेकर चलता हूँ, 1 2 3 मैं आपको एक बार पीछे दिखा देता हूँ, शायद आपको कम लग रही होगी, देख शायद कैमरा में नहीं पता चलेगा यार, सही ना बात है, यहाँ आप सामने देख सकते हो वो है ना वहाँ पे बोलिए, तो मैं चढ़ा के दिखाता हूँ वहाँ पे सामने वाला ये है ना ऊंचाई पे, मैं यहाँ पे चढ़ाऊंगा, उधर पता नहीं आगे शायद फिर आगे, ओहो इतनी हवा चल रही है ना यार, चलिए चलते हैं एक बार, मैं आपको दिखाता हूँ चढ़ा के, दिखा ही देता हूँ आज इस बाइक की पावर, वो भी मैं सटा के चढ़ाने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दूर से कहाँ से चढ़ाऊँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ठीक है ना, क्योंकि पता नहीं आगे फिर गड्ढा होगा तो फिर चले जाएंगे गड्ढे में, तो मैं एक बार चेक करके आता हूँ।
तो मन तो नहीं कर रहा था ऑफ करने का, लेकिन ऑफ कर ही लिया। चलिए ठीक है, सही है, आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कहाँ पे हूँ, बाइक वहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार चढ़ा के देखते हैं। लोग ऑफ करते हैं यार, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अकेले कोई जाकर ऐसे ऑफ कोई करता होगा। मैं अकेले इस जंगल में हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसे कुछ नहीं होगा यार, टेंशन ये सब बोलना भी नहीं चाहिए। चलिए ओ भाई साहब, इतना स्पीड करने लगा था टायर की, मेरे को लगा कि अब तो बाइक पीछे गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यार ये वाली, अब मैं दिखाता हूँ बाइक नीचे जाकर। यहाँ तो जूते भी मेरे स्लिप कर रहे हैं, देखिए बाइक कहाँ है अब मैं कहाँ हूँ। देख सकते हैं यार बाइक का लुक यहाँ से, आप देख सकते हैं क्या आ रही है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एक बार, वो तेरे देखिए क्या लुक है, गजब। मतलब नो कंपेयर, एक शब्द में बोलो तो नो कंपेयर। अब देखिए यार, जब लास्ट में गया ना तो मेरे को लगा ना कि अब बाइक के ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, इतना स्किड करने लगा ना ये जो एक कंकर है ना, छोटे छोटे पत्थर इसमें यार, तो मेरे को लगा। लेकिन फिर मैं एक्सलरेटर में नहीं जो दवाई रखा, तो दवाई रखा छोड़ता तो फिर पीछे ढल जाते। तो अब चलते हैं रोड पे, निकलते हैं फटाफट। मजा आ गया पूरा लीन करने में। मैं ज़्यादा स्पीड नहीं था, बस 90-95 हो गई, मैं देखा नहीं मीटर में। मैं 40 का स्पीड में ब्रेक मारूंगा ना तो कितने दूर जाकर रुकती है वो मैं चेक करने वाला हूँ, वो भी मिट्टी में, कि पीच वाली रोड पे मारूँ। मैं पीच वाली रोड पे ही मारता हूँ यार, इसमें ना स्किड कर जाएगा टायर, तो मैं पीच वाली रोड पे ही मारता हूँ। तो यार बहुत हवा चल रही है यार, मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि वॉइस आप लोग को पता नहीं सुनाई दे रही होगी कि नहीं। चलिए यहाँ से मैं शुरू करूँगा। तो पीछे से एक बाइक आ रही है, जाने देते हैं अंकल जी को। तो चलिए अब पीछे से कोई बाइक नहीं आ रही है, तो नहीं 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 बस यहीं से जा नहीं रहे आगे, तो थोड़ा सा बस टेस्ट करते हैं। 40 ओ भाई, पीछे का ना ब्रेक सच में यार बहुत ही बढ़िया था यार। और ये सिर्फ मेरा बाइक का कहानी नहीं है, पता नहीं मैं कहाँ यार ब्रेक लिया, क्योंकि स्किड टायर स्किड किया ही नहीं है। तो मैं एक बार फिर से करता हूँ यार, तो ये सही नहीं हो पाया, मैं फिर से एक बार करता हूँ। मैं ज़ोर से मारूंगा इस बार थोड़ा ब्रेक कर। तो फिर से टेस्ट कर रहे हैं, रीटेस्ट है। वो वाले पेड़ दिख रहे हैं ना वहाँ पे, मैं मारूंगा ए वाले पेड़ के साथ। भाई मतलब पीछे का ना ब्रेक, अगर पीछे के ब्रेक के भरोसे आप रहे ना, मैं ये वाला पेड़ दिखाई दे रहा है ना वहाँ से मैं ब्रेक ले लिया हूँ। वो टायर तो स्किड करता ही नहीं यार इस रोड में, शायद देखिए वहाँ पे जाके थोड़ा थोड़ा स्किड किया है। ओ भाई पंचर तो नहीं हो गई, नहीं यार ये सब ना देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्किड किया। और बाकी मैं आपको बता दिया ना, वो पेड़ है ना वहाँ पे मैं ब्रेक लिया, स्पीड 50 की चले गई थी, 40 नहीं थे, तो बस ठीक ठाक है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि दोनों ब्रेक लीजिएगा, सिंगल ब्रेक ना लीजिएगा कभी, तभी आपके लिए अच्छी होगी। और मेरा आगे का ब्रेक का भी हाल सही नहीं है, इसलिए मैं आगे का टेस्ट नहीं करूँगा। जैसे ही मैं ब्रेक बनाता हूँ तो मन किया तो कभी टेस्ट करेंगे, टेस्ट क्या करना है, मतलब ब्रेक तो लेना ही रहता है। चलिए अब चलते हैं घर की ओर, चलते हैं। तो मज़ा आ गया राइड करने में ना, मज़ा ना वो लीन करने में मेरे को बहुत मज़ा आया। तो यहाँ से यू टर्न लेते हैं, उधर जाना रहता ना तो मैं भैया को लिफ्ट दे देता, लेकिन उधर जाना नहीं है। मंदिर पेंट हो गया देखिए, क्या झकाश लग रही है यार, एक नंबर। भाई लोग तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, आज ब्लॉग का एंड कहाँ पर है, पूरा घर पहुँच के, कहा कि उधर बाहर ना बहुत हवा चल रहा है, तो यहाँ कोलकी में पहुँच के
और ब्लॉक एंड कर। तो मिलते हैं अगले ब्रांड 17 के बाद। सुन जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।